हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है मनीषा रानी के रिलेटेड। तो क्या मनीषा रानी ने झलक दिखलाजा शो को एक्सपोज कर दिया? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने रिसेंट ब्लॉग में बताया कि जो वो झलक दिखलाजा शो जीती उसके बाद उनको अभी तक विनिंग अमाउंट नहीं मिला है, और वो विनिंग अमाउंट कितना मिलेगा उसके बारे में वो बात करती हुई दिखी, जिसके अलावा एक छोटी सी क्लिप देख लो। आप जीत के आई हो, मैं क्यों फाइनेंस करूं? अच्छा, मेरे को करना पड़ेगा क्या? चलो, तो विनिंग अमाउंट अभी तक आया नहीं है। अभी तक आया नहीं, कट के आएगा ना वो तो। आधा काट लेंगे वो लोग। देखो ये रियलिटी है गाइस, तुम लोगों को लगता है ना, बरसात हो रही है इधर। देखिए असल में बरसात वही उसी के साथ होता है जिसका बॉयफ्रेंड बहुत करोड़पति हो। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है एलविश यादव और मनीषा रानी के रिलेटेड। तो एलविश यादव से उनके इंटरव्यू में पूछा गया मनीषा रानी के रिलेटेड कि क्या मनीषा रानी और एलविश यादव के बीच में लव एंगल था, और क्या बीच में उनके अट्रैक्शन वगैरह था, जहाँ इसी पे वो ये बोलते हुए दिखे कि ये लव एंगल वाला पूरा बेसलेस है। जहाँ इसी के रिलेटेड वो ये भी बोलते हुए दिखे कि वो सिर्फ फ्रेंड्स है और कुछ नहीं है। तो आपके ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है सलमान खान के रिलेटेड। तो सलमान खान के घर के बाहर दो जन ने बाइक से जाके फायरिंग कर दी, जहाँ इसी के रिलेटेड ये बताया जा रहा है काफ़ी लोग की तरफ से कि एक पब्लिसिटी स्टंट था, जहां इसी के रिलेटेड सलमान खान के भाई अरबाज खान ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, जहां इसी के वो ये बोलते हुए दिखे कि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां वो ये बताते हुए दिखे कि इस इंसिडेंट से उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा शॉक में है, जहां वो ये भी बोलते हुए दिखे कि अभी उन लोग पुलिस के साथ कॉपरेट करने में बिजी हैं इन सब की डिटेल के रिलेटेड। तो आपके ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना।